पहले के क्लास में आप लोग को कहां तक समझाए थे? प्लांट किंगडम कंप्लीट हो गया था, एक तो मटेरियल देखिए जी कहां तक हुआ था। सूरजमुखी का फूल किसमें आएगा हम बताइए, वो नहीं करेंगे, सूरजमुखी वाला लिखिए। जल्दी बैठो बाबू, आपको हम प्लांट किंगडम के बारे में समझा देते हैं। प्लांट किंगडम में हम लोग पूरे तरह के पेड़ पौधों को रखे थे। प्लांट किंगडम में अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या था? क्रिप्टो गेमी। क्या था? क्रिप्टो गेमी। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अपुष्पोद्भिद, जिसमें फूल वगैरह ना रहे। और दूसरा क्या था? फेनरोगेमी। फेनरोगेमी ये दो टाइप के थे सब, यहां तक बताए थे ना। अब हम लोग स्टार्ट कहां से किए थे? क्रिप्टोगेमी से, अपुष्पोद्भिद से। अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद स्टार्ट कहां से किए थे हम लोग? अपुष्पोद्भिद। हाँ, मेटेरियल मिला ना ये वाला, इतना मोटा मेटेरियल कहां से मिल गया उसको? ये सब यहाँ जो फालतू रहे हटा दिए कीजिए लोग, सबको मिल गया है ठीक, हटाइए सबको, हटाइए। यहाँ पूरा गोदाम बना के रख दिए, जो करेक्शन हो जाता है उसको यहाँ से हटा दिया करो लोग। जो स्टूडेंट के पास मटेरियल रहे वही रखा कीजिए लोग यहाँ पे, ताकि करेक्शन करने के वक्त में सुधार हो सके। पता चला यहाँ पे कोई और कॉपी है, वहां कोई और कॉपी है। क्रिप्टो गेमी कितने टाइप का था? हूं तीन। कौन कौन? हेलो फाइटा, और क्या था? ब्रायो, ब्रायो फाइटा, उसके बाद टेरिडो। कवक और क्या था? शैवाल। शैवाल के बाद लाइकेन, लाइकेन के बाद जीवाणु, लाइकेन के बाद क्या होता है? जीवाणु, जीवाणु। इधर कितने टाइप के थे? दो, जिसमें नग्नबीजी और आवृत बीज, इसको तो हटाते हैं हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले इधर वाला तो निपटा के चलते, अपने इतना लंबा बट के बैठा हुआ है सब, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये कौन सा हो गया? थैलोफाइटा। कौन जगह है थैलोफाइटा? देखिए भाई, थैलोफाइटा जो होते हैं ये पादप जगत में, जितने इधर वाला देखे हैं इसमें सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है? थैलोफाइटा। कौन सा होते हैं? थैलो। इनके सारे अंग आपस में क्या होते हैं? पेड़ पौधों के सभी अंग आपस में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। इसमें कितने कैटेगरी में इसे बांटते हैं? चार। पहला क्या होता है? कवक। कवक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? फंगी। कवक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? फंगी। ये काई के समान दिखने वाले छोटे छोटे पौधे होते हैं। कैसे दिखते हैं? काई के जैसे दिखते हैं, जिस तरह पर्स पे क्या लिख जाता है? काई। बट ये काई होते नहीं है, काई नहीं जम जाता है पर्स पे। उसी के समान दिखने वाले ये कैसे पौधे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं कवक। कवक जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। अब आप बताइए, जिस चीज में क्लोरोफिल पाया जाता है उसका रंग कैसा हो जाता है? हरा। और जिस चीज में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा उसका रंग हरा नहीं होगा, वो अलग अलग कलर का हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं। जिस वजह से ये अपना भोजन बना पाएगा, तो जब पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते तो उनको दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, लेकिन जब वो अपना भोजन बना ही नहीं पाते हैं तो उसको डिपेंड किस पर रहना पड़ता है? दूसरे। तो ये वैसे ही जगह पर पनपते हैं जहां पर कोई कूड़ा कचड़ा फेंका हो और वहां से वो रेडीमेड भोजन क्या कर सके? ले सके। जहां जैसे पेड़ का जो जड़ होता है वहां नमी हमेशा रहेगी, वहां उसका खाद वगैरह कुछ कुछ लकड़ी पेड़ पौधा सड़ उड़ के कहाँ गिरा रहता है? नीचे। तो हमेशा ये नमी वाले जगह पे निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं? नमी वाले, जहाँ सड़े गले चीज रहते हैं वहां पर, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल न होने की वजह से ये दूसरे पर आश्रित होते हैं, अतः इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, कि जो सड़े गले चीज है, मरे हुए हैं, उन्हीं पे भोजन पे ये क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं, मृतोपजीवी रहते हैं। समझ में आ गया? क्या है बकलोलवा, खड़ा हो तो मोबाइल, लाल मोबाइल खड़ा हो। अब
को नहीं सुनाई दे रहा है, क्या कर रहा था मोबाइल लेके? हेलो रे, सही से आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? रसीद या आई कार्ड निकाल। पढ़ने आए हो ना? जानते हो मैं मेरे जूता में फीता नहीं रहता है, पता है क्या है? देख इधर, टाइम नहीं लगता है गिराने में। बेवकूफ कहीं का, माँ बाप पैसा दे के भेजे यहां पढ़ने के लिए, टंकी बना के रख दिया है सब चट्टा क्लास को। बैठ उधर, शर्म नहीं लगता है, मोबाइल लेके चलाएंगे। कहां बता रहे थे जी? खोचू रहता है, मोबाइल वाले के नाचेगा सब। अगवा भाई बाप का और कोनो काम धाम ना है, कुछ वो नहीं करता है सब माँ बाप की, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है घर पढ़ना। देखो ये कैसे होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी। दूसरे पे भोजन के लिए क्या रहते हैं? आश्रित रहते हैं। मेनली ये तीन कैटेगरी होते हैं। हालांकि कोई भी चीज की हम लोग पूरी कैटेगरी पढ़ते नहीं, पूरी कैटेगरी पढ़ेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो मेनली हम लोग कितनी कैटेगरी पढ़ते हैं? तीन कैटेगरी पढ़ते हैं। तो कवक यानी फंगी को हम लोग कितने कैटेगरी में पढ़ते हैं? तीन कैटेगरी। हर चीज का अध्ययन का एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइट, उसी तरह फाइकोलॉजी होगा और माइकोलॉजी होगा। तो अब देखिए कवक का अध्ययन जो होता है, फंगी का अध्ययन, वो क्या क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी। क्या कहलाएगा? माइकोल। और शैवाल का फाइकोलॉजी। तो कवक का अध्ययन क्या कहला जाता है? माइकोल। उसमें लिखा होगा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक जो होते हैं सब ये मृतोपजीवी होते हैं, इन्हें मेनली हम कितनी कैटेगरी रखते हैं? इनकी तीन, तीन कैटेगरी रखेंगे। क्या इनमें क्लोरोफिल होगा? क्लोरोफिल पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं होता। ये स्वपोषी होते हैं कि मृतोपजीवी होता है? मृतोपजीवी। कैसे होते हैं ये? मृतोपजीवी होते हैं। कहां पाए जाते हैं? नमी वाले स्थान पर। कहां रहेंगे? नमी वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जहां क्या रहता है? नमी वगैरह रहता है, पेड़ के जड़ वगैरह में। इनकी तीन कैटेगरी। एक होती है सबसे नॉर्मल जो होता है बाबू, जो सबसे फेमस है मशरूम। कौन सा? मशरूम। मशरूम जो होता है कुकुरमुत्ता बोलते हैं लोग, आप लोग छतरी टाइप का हो जाता है। अब सब चीज की अलग अलग कैटेगरी मिलेगी, सब चीज की क्या है कैटेगरी अलग अलग रहती है। जैसे कुकुरमुत्ता जो मशरूम होता है वो सब खाने लायक नहीं होता, उसमें कई वेरायटी होती है। कुछ कुछ तो लाख रुपए किलो मिलते हैं सब, बहुत अलग अलग वेरायटी के रहते हैं सब, और कुछ तो नॉर्मल 300-400 रुपये मिल जाते हैं सब। तो मशरूम वगैरह की पहले इसका प्रचलन नहीं था, लेकिन आजकल मशरूम जो हो गया है उसकी खेती होती है, सब्जी वगैरह मशरूम का बनाया जाता है। हालांकि सब्जी मशरूम की सब्जी पे देखिएगा तो वो मशरूम की सब्जी ना मसाला के दम पे चलता है उसमें मशरूम का कोई खास रोल नहीं रहता है, मसाला इतना ना झोंक देंगे सब कि आदमी वही में खा के कुछ कुछ खा के चल जाएगा, चल मशरूम खा लो। सीबीएसई वाला ज्यादा खाता है, हालांकि बहुत फायदेमंद होता है। प्रोटीन की मात्रा क्या रहती है? ज्यादा। प्रोटीन की मात्रा मशरूम में ज्यादा। हालांकि कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं, उसको खा लेंगे तो बहुत ज्यादा ही प्रोटीन मिल जाएगा, खत्म हो जाएंगे कहानी आप लोग। तो मशरूम कई कैटेगरी के होते हैं। देहात में जो मिलता है छतरी टाइप का बन जाता है, वो क्या होता है? कुकुरमुत्ता। अब कुछ ऐसे भी मशरूम होते हैं जो बड़े कड़े कड़े होते हैं, मतलब चिप्स देखे आलू का चिप्स, उस टाइप के भी कुछ मशरूम होते हैं। पेड़ देखेंगे ना, पेड़ तो पेड़ पे अगर आप देखेंगे कोई मोटा सा पेड़ है जिसका डाल बहुत मोटा है, तो आप उस पेड़ पे देखेंगे तो इसमें कोनो साइड में यहाँ पर एक आलू टाइप का निकला रहेगा, इससे लगेगा चिप्स है, देखे है? वो क्या रहता है? मशरूम। तो मशरूम की भी क्या है? कई कैटेगरी होती है, ऐसा नहीं है कि केवल छतरिया वाला देखेंगे तो मशरूम है। वो सबसे खराब कैटेगरी का है, इसको आप लोग कुकुरमुत्ता बोलते हैं, क्योंकि उसको नमी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि भाई जो कुकुरमुत्ता वैसे नहीं होता है, देहात में भले बोल दिया गया मशरूम। तो ये कई कैटेगरी है, चिप्स की तरह देखे होंगे, वहां पे कुछ छोटे छोटे भी होते हैं सब, कुछ की छतरी बड़ी होती है, जो सब्जी बनता है तो छोटा छोटा ही होता है मशरूम वहां के। तो ये कई कैटेगरी में क्या पाया जाता है? सब मशरूम पाए जाते हैं। इसके अलावा इसका एक और होता है, मशरूम तो समझ में। दूसरा कवक की कैटेगरी में क्या आएगा? पेनिसिलिन। क्या पाया जाएगा? पेनिसिलिन। पेनिसिलियन नामक कवक से क्या बनाया गया था? पेनिसिलिन।
नमुआ लगभग लगभग एक खत्म ये देंगे आप लोग। तो दूसरा कैटेगरी क्या हो गया, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होता है वो पेन किलर के काम में आता है, दर्द निवारक के रूप में काम आता है पेनिसिलिन। पहले दर्द को कम करने के लिए कोई अलग से दवा गोली ये सब नहीं बनाई गई थी, तो दर्द को कम करने के लिए कौन सा बनाया गया था, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक की दवा एडवर्ड जेनर। ये सब कुछ कुछ फेमस फेमस चीज है, इसको आप लोग अब से पहले से याद रखते रहिएगा लोग। यहाँ पेनिसिलिन की खोज किसने किया, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलियम नामक कवक से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है, पेनिसिलिन। किसी को पेनिसिलिन खिला दीजिएगा, अब उसके बाद उसको दर्द कम होगा। आजकल तो शून्य का इंजेक्शन आ गया, इतने पावरफुल होते हैं सब एनेस्थीसिया कि जहां लगाइएगा उतने दूर क्या कर देगा, शून्य कर देता है। हमारे गले में का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर यहीं पे लगा के, इंजेक्शन लिया चार जगह इसे इसे लगाया, गला क्या हो गया, शून्य हो गया। यहाँ एगो नस काट दिया, अब यो से जुड़ा यहाँ पे कुछ खास असर नहीं होता है। यहाँ का जो मेन एमसीबी था गिरा दिया। यहाँ अभी यहाँ टच करते हैं तो जितना इधर फीलिंग होती है समझ में आता है, इधर नहीं होता है। दाढ़ी बनाने में कभी कट जाता है, शीशा देखते हो इस सोचो तूने काट दिया इधर पता नहीं चाह, इधर पता चल जाता है। अगर पहले जमाने में ऐसे कोई एनेस्थीसिया नहीं थे सर, पहले अभी देखिएगा जो डिलीवरी का ऑपरेशन होता था बच्चे जो होते थे सीजेरियन से, तो पूरा माँ को बेहोश कर दिया जाता। अब ना, अब क्या लगे एनेस्थीसिया, पेट पे क्या कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया, पेट क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और ऑपरेशन क्या हो जाता है, नॉर्मल कर दिया जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था, शुरुआती दौर में तो ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं था शून्य करने का। किसी को घाव वगैरह हो जाता था तो के पकड़ के चार आदमी देहात में उसको फोड़ दिया जाता था। बचपन में हम लोग को खूब घाव होता था फोड़ा, अब मम्मी पापा पकड़ लेते थे लोग। अब मेरी मम्मी ना इस सब में एकदम स्पेशलिस्ट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला मर जाएगा, पकड़ के इसे नोच लेंगे लिया पूरा नोच देती थी, और उसके बाद खाती देखो खून निकल रहा सब खराब खून है हमें स्पेशलिस्ट ही सब में। मेरी मम्मी जुआ निकालती थी बचपन में, लगता था खोपड़िया निकाल लेंगे, वो कोई काम कर रही है ऐसे ऐसे करते रहती थी। अब कुछ उबड़ खाबड़ पकड़ाया नोच दे, कोई मतलब नहीं बनता इससे, जुआ आया नहीं, उबड़ खाबड़ बस लगना चाहिए ना, निकाल इधर यो नोच देती थी आई वाला पकड़ के। पहले जुआ पढ़ते भी थे सच बहुत, अब तो वो भी लुप्त हो गया सब, लगता है कि वो भी जियो का रिचार्ज करा लिया सब, बिजी रह रहा है सच। तो ऐसे घाव वगैरह का इलाज के लिए बिना शून्य किए ऑपरेशन करना कितना दर्दनाक हो सकता था, सोच सकते हैं कोई भी ऑपरेशन। इसी बीच एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बड़का बड़का घाव हो गया, एकदम भयानक भयानक, अब उसको चला नहीं जाता था, जहां तहां पूरा पैर और में भर गया घाव। अब उसके गांव का मुखिया एक दिन पकड़ लिया और उसको पेड़ में क्या किया, बांध दिया पेड़ में बांध के जो वैद्य जी आए पकड़ पकड़ सब घाव फोर फोर बहवा दिए। बाप बाप चिल्लाया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग उसके बाद एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहा भाई ये दर्द जो हमने देखा है ना, ये दूसरे को ऐसा दर्द होने नहीं देंगे। उसी खोज में निकला, जड़ी बूटी के चक्कर में उसको मिल गया क्या चीज, कवक, कुकुरबुत्ता टाइप का मिला। अब वो हर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, उसमें वो खाया तो दर्द क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगल बगल वाले को क्या किया, दिखा दिखा के ट्राई मारा, और तब पता चला पेनिसिलिन क्या हो सकता है, दर्द निवारक के रूप में काम आ सकता है। वर्तमान समय में इसके जगह पर एनिस्थीसिया आ गए हैं सब हाई पावर के, क्लोरोफार्म आ गया है, बेहोश करके देता है आप लोग को, बेहोश करके कुछ, खैर वो दर्द निवारक एनिस्थीसिया जो है क्लोरोफिल या ईथर, ये दर्द निवारक नहीं होते, ये बेहोश कर देते हैं। अब बेहोश करके क्या करते हैं, आप ऑपरेशन कर दीजिए। क्लोरोफार्म का प्रयोग डॉक्टर नहीं करता है बेहोश करने के लिए, ईथर का प्रयोग करता है। क्लोरोफार्म का क्या करे, जब तब उठ जाता है दो तीन घंटा में, अभी ऑपरेशन चलिए रहा उठ जाएगा, क्या गए किडनी रख निकाल के क्या कर रहा, किडनी रख में रहे हैं, जब भी तब उठ जाएगा उसमें, इसलिए उसमें क्या लगाता है, ईथर लगाता है। ये दर्द निवारक नहीं होते ना, सुधा देते हैं सर, ऑपरेशन कर दीजिए। ईथर की डोज देने के लिए हॉस्पिटल में एक स्पेशलिस्ट बैठा होता है, वरना ईथर का डोज अगर कम रहा तो बीच में उठ जाएगा, ईथर का डोज जरूरत से ज्यादा हो गया तो सुतले रह जाएगा, इसलिए उसका एक अलग अलग होता है, उसमें पूरी उसकी पढ़ाई होती है। महिलाओं को अलग डोज है, पुरुषों का अलग है, गजेड़ी पुलिस है, पहले
गुटखा पान बीड़ी खा के मुंह को डस्टबिन बना लेता है। रद्द कैले है मुंह आगे डस्टबिन बना लेता है, उससे खूबसूरत डस्टबिन होता है गुटखा खाने वाला सबसे वहां पे। अब उन सब का एनेस्थीसिया तगड़ा देना पड़ता है क्योंकि पहले ही से वो गजेड़ी है सब। देखिए जो गुटखा पान खूब खाएगा ना, खाना में एक बड़का मिर्चा रखेगा इसे, ए मिर्चा ही न होलो रे तीता नगल हाँ, उसकी पहचान देखिएगा, मिर्चा यहाँ से नहीं काटेगा, उस थर्ड मोलर से काटेगा, ऐसा ऐसा कोना में से काट के लाएगा हमें। उन सब को थोड़ा कम असर करता है। तो पेनिसिलिन उस वक्त के लिए एक समझ लीजिए कि एक सबके लिए वरदान था। किसी का ऑपरेशन हो गया कुछ, पहले ऑपरेशन भी करना होता था ना, तो बिना पेनिसिलिन बिना दर्द निवारक बांध के सजुरा चीर चार के ओकरा ऑपरेशन करता था, बहुत भयानक होता था। इस तरह से तो पहले अपेंडिक्स के भी ऑपरेशन होते थे, पहले अपेंडिक्स जो होता था दर्द होता था यहाँ पे, अभी अब तो अपेंडिक्स नॉर्मल हो गया, पथरी नॉर्मल चीज हो गया, वरना पहले ऑपरेशन होता था बाप बाप आदमी चिल्लाता था, वैसे ही खून गिर रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, उसको चलने दो। तो पेनिसिलिन की खोज हुई। पेनिसिलिन भी किस में आता है? कवक में ही। पेनिसिलिन में भी किस में आता है? उसके बाद आते हैं यीस्ट। यीस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? खमीर। खमीर, खमीर को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? यीस्ट। यीस्ट जो होता है सबको तो इंग्लिश इंग्लिश से होता है, पेनिसिलिन का पेनिसिलिन। मशरूम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मशरूम में कहते हैं, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? कुकुरमुद्दा कहते थे हम लोग। यीस्ट या खमीर जो होता है सरसों के दाना के समान रहता है। आप दुकान पे खरीदने जाइएगा तो सरसों के दाना से वो पतला रहता है, सरसों का दाना जितना में रहता है ना उतना में खमीर का ये दुगो दाना आ जाएगा, उसे क्या कहा जाता है? यीस्ट कहा जाता है। जब कभी आप यीस्ट लेते हैं और किसी चीज में मिला देते हैं और उसमें पानी में सान देंगे ना, तो 8 से 10 घंटा बाद उसको पूरी तरह से क्या कर देगा? खदड़ के एकदम सड़ा देगा। वो यीस्ट क्या कर देता है? सड़ा देता है किसी चीज को। तो किसी चीज को सड़ाने में कौन मदद करता है? यीस्ट। जैसे मैदा जो सानता है हलवाई, तो जलेबी छानेगा ना उसमें, तो जलेबी नहीं छाना पाएगा क्योंकि उसको हल्का सा खट्टा लगना चाहिए जलेबी को। जलेबी मीठा के साथ साथ हल्का क्या लगना चाहिए? खट्टा भी लगना चाहिए। देखिए जलेबी खाते हैं तो हल्का सा उसमें मीठापन तो रहता ही है, लेकिन मीठापन के साथ एक अजीब सा खट्टापन भी रहता है। तो क्या करता है? मैदा सानता है रात में और उसको पूरा अच्छा से गीला से सान देगा इसे, और उसमें क्या डाल देगा? यीस्ट। यीस्ट डाल के फेंट के इसे क्या कर देगा? मिला देगा, कपड़ा से ढक देगा, ना तो छिपकली उकली में चल जाएगी, इसे ढक देता है। रात भर में यीस्ट क्या करेगा? उसको क्या करेगा? रात भर में सड़ा देता है। रात भर में जब यीस्ट उसको क्या कर देगा? सड़ा देता है, तो सुबह के सुबह वो मैदा क्या हो जाता है? बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। तो क्या करेगा दुकानदार? देखिएगा ना, एक रुमाल ले ले रहता है ऐसे, हमें ले आके मैदा रखेगा और मोड़ के इसे ले आ बना दिया चालू यहाँ। तो किसके काम? वो क्या होता है? यीस्ट। ब्रेड जो देखते हैं, ब्रेड सीबीएसई वाला जो खाता है सुबह सुबह उठ के, ब्रेड ब्रेड बटर, हाँ ब्रेड बटर, टोस्ट, चाय, बिस्कुट, ये सब सीबीएसई वालों का खाना है। हिंदी मीडियम वाला मम्मी से पूछेगा रात के चावल बचल बा भूज दे सबसे एक नंबर नाश्ता वही होता है, चाहे रात का रोटी बचा है तल के चाय से खा जाओ। नहीं खाए आप लोग? हम लोग का तो यही नाश्ते रहता था। अब सीबीएसई वाला जो खाता है सब कुंजी टोस्ट डुबाएगा सब उसमें टोस्ट, उन सबको एक्सपीरियंस भी होता है कब टोस्ट को डुबाना है, कब बिस्किट को डुबाना है, कब निकालना है। हिंदी मीडियम वाला वही में डुबाई ले टूट गई वही में, हम कांच के निकालेगा। अरे अब तुम हिंदी मीडियम वाले हो, तुम्हारे लिए नहीं बना ये सब चीज नहीं हो जाता, हम लोग को समझे में नहीं आता कब टूट के वही में रह जाएगा। तो वो जो आप देखेंगे उसमें वो जो सॉफ्टनेस आता है, रोटी देखिएगा, रोटी को चाय में कितना डुबा दीजिएगा टूट के नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन ब्रेड देखते हैं ज्यादा देर तक रह देंगे गिर जाएगा। उसको टुकड़ा टुकड़ा करके उसका धज्जी किसने उड़ा दिया है? यीस्ट ने उड़ा दिया है। क्या उड़ा दिया है? यीस्ट। खमीर ने क्या कर दिया है? उड़ा दिया है। और अगर आप उस ब्रेड को बाहर कहीं छोड़ देंगे 3-4 दिन तो बाहरों निकलने लगते हैं सब यीस्ट, बारवा निकल के झांकने लगता है हमारे एरिया है, तो लोग कहते हैं भूल लग गया है, कोई देखता है नहीं देख रहा है तो झाड़ देता है और नहीं के प्लेट में लगा लेता है खाइए हल्का हल्का उसमें लग जाता है सर। उसी को क्या कहते हैं? फंगस। क्या कहेंगे? फंगस कहिए, बात तो वही है, फंगी या फंगस एक ही बात है, कवक लग जाता है। तो वो कैसे दिखते हैं सर? बहुत छोटे छोटे होते हैं सर, पौधे टाइप के छोटे छोटे। कभी कभी ये कवक जब भी रखेंगे कहां कैसे जगह पे रखेंगे? नमी वाले जगह पे। तो हुआ क्या कि कोरोना के बीच में बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर पे रखा गया, ऑक्सीजन पे रखा गया। तो वो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन जो होता है वो ठंडा टेम्परेचर पे रहता है, तो फेफड़े वगैरह के पास जब
जब ऑक्सीजन जाता है तो उससे क्या हो जाता है, नमी होता है। हम लोग ये जो सांस ले रहे हैं ये नेचुरल सांस है, लेकिन जो सिलेंडर में रखा रहता है सांस वो कैसा होता है, बहुत ठंडा, बाहर निकाल के उसको नॉर्मल किया जाता है तब यहाँ आता है। तो नमी गले में क्या प्रकार हो जाती थी, नमी, बहुत नमी हो जाती थी। तो हवा में क्या घूम रहा है, फंगस, उसको क्या चाहिए, नमी, क्या चाहिए, नमी। और हमारे त्वचा पे बैठेगा तो हम अभी स्वस्थ हैं तो हमारे त्वचा पे लाइज हो जाएंगे वगैरह ऐसा मार देते हैं सब। लेकिन कोरोना में सब चीज टेम्परेचर एकदम खराब है, एकदम खत्म है। 10-15 दिन कोरोना काट के आए हैं, वेंटिलेटर पर हैं, पूरा दिन शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई है और उस पर नमी भी बरकरार है फेफड़ा में। हवा में क्या घूम रहा है, फंगस, आके बैठेगा कौन, फंगस, कहेगा ये तो मन ही नहीं कर रहा है, हमको टेंशन ही नहीं है। जब मना नहीं करेंगे तो मन बढ़ जाएगा उस सबका, बस वो फंगस क्या हो जाएगा, अंदर घुसेगा, अंदर भी घुसेगा तो आपका शरीर मना कर पाएगा। रीजन क्या है, कोरोना से लड़ने में वो तबाह हो चुका है, अब वो फंगस घूमते रहेगा, अब उसको कोई नहीं बोलेगा तो वैसे ही फैलते रहेगा, मन बढ़ जाता है। जैसे लड़की सबको देखते हैं, कोनो 8-10 पे आएगी, कोनो 8:30 में आएगी, कोनो 9:45 में आएगी, जब मन तब जल जाती, तो वैसे ही उन सब क्या हो जाता है, फंगस का मन बढ़ जाता है। अब मन बढ़ते बढ़ते वो फंगस पूरा अंदर अंदर क्या करता है, घुस जाता है और आंख को अंदर से अंदर अंदर जहां जहां खाली जगह है, जिस मान के चलिए अंदर तो खाली जगह ही रहता है, सब जगह छाप लेता है और सब जगह छापने के बाद अंदर अंदर हड्डी को भी क्या करता है, पकड़ के गला देता है, उसी को कहते हैं ब्लैक फंगस। क्या हो गया, ब्लैक फंगस, हड्डी को अंदर अंदर गला देता है तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक फंगस। बहुत खतरनाक बीमारी, 100% जान ले लेता था, जितने मतलब 50% लोगों का जान ले लेता, कोरोना तो 2% लोग का जान लेता, जितने लोग को कोरोना होगा उसमें कितना का जान जाएगा, 2%। अब ब्लैक फंगस 50%, लेकिन ब्लैक फंगस होने की संभावना बहुत कम रहती है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत सबको हो जाएगा, जो उनको हाईली उनके जो इम्यून सिस्टम उसको सप्रेस किया जाएगा, जैसे डेक्सामेथासोन होता है ना, दवा होता है डेक्सामेथासोन और उसको हम लोग एस्टेराइड कहते हैं। तो यूट्यूब पे कोरोना के बारे में हम तो पूरा बताए थे, हर चीज एस्टेराइड हमारी इम्यून को कैसे कम कर देता है, तो ये सब खमीर वगैरह समझ में आ रहा है कि नहीं, खमीर सड़ाने के लिए किसी चीज को किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेड बिस्किट ये नमकीन उमकीन सब किस में प्रयोग करते हैं, खमीर में। एक रोटी भी बनती है मीठी रोटी, देखिए मीठी रोटी, मीठी रोटी कहीं कहीं पे प्रचलन होता है मीठी रोटी का, आज आटा सान देगा, आटा सान के रख देगा, आटा सान के क्या कर देगा, रख देगा, उसको एक दिन गैप करके बनाएगा तो आटा कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाएगा। एक दिन गैप करिएगा तो आटा क्या हो जाता है, खट्टा। आप लोग का कभी नहीं बनाई है, आप लोग सब नहीं बनाए जी, आप लोग लड़का तो बनाई लिया होगा, कोड़िया रहता है इसे सानेगा, कल बनाएंगे कपड़ा, इसे सान देगा दो दिन बाद धोएगा, तो उसके आटा क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या मिल चुका है, खमीर। हवा में यीस्ट की कमी है, इसको क्या चाहिए, नमी। और मना करने वाला कोई ना रहे, बस ये अपना साम्राज्य बिछा देता है, कोई रोकने वाला नहीं है। एक काम कीजिएगा ना, ये क्लासरूम जो है ना, अभी आप लोग रहते हैं यहाँ पे, भीड़ भाड़ रहता है, लॉकडाउन में इस क्लासरूम में कोई नहीं था, बरसात हुआ था, थोड़ा बहुत नमी आ गई थी, इधर उधर कोई देख रेख करने वाला नहीं था, आए थे लोग ना, इसमें कवक ये यीस्ट जमे हुए थे, कवक जहां था, इसमें कबूतर का, कौआ का, सबका अलग अलग बैच बना हुआ था, कोनो उधर रह रहा है, कोनो इधर रह रहा है, सब आपस में मार कर रहा था, इसमें गिलहरी आ रही है, सब अपना एकदम समझ रहा था कि खान सर अब तो चल गए उसको एकदम बढ़िया जगह, घोंसला बनाने में इसमें टेंशन नहीं था, बारिश तो आता नहीं था, बारिश में भी नहीं भीग सकते थे, मस्त इसी में रहता था। लेकिन बाद में आया तो खाली करा दिए कि अब क्लास चालू होने वाला, जाओ लो लॉज चेंज करो, टू लेट अब नहीं है। खमीर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सड़ाने के काम है। ताड़ का पेड़ पे देखिएगा, ताड़ के पेड़ पर, तो ताड़ का जो ऊपर का पेड़ रहता है ना, उसमें नेचुरल मात्रा में बहुत ज्यादा खमीर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, यीस्ट पाए जाते हैं, ताड़ के पेड़ पर नेचुरली बहुत ज्यादा क्या पाए जाएंगे, यीस्ट। अब क्या करता है ताड़ी वाला, वो ताड़ के पेड़ पर उसमें क्या 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 मिलाता है जी, ताड़ी में पानी रहता है और ताड़ के पेड़ पे जो गोल गोल फला रहता है उसका रस डाल देता है, लेकिन उससे तो कुछ खाना नहीं है, उसको रस वगैरह डाल के उसमें कुछ कुछ मिला के उसका लवनी बोलता है सब, पिछवा लटका के ऐसे उतरता है सब, लवनी लेके कहाँ बांध देता है, ऊपर, और ऊपर घड़ा में रख देता है और कपड़ा से ढक देता है, ना तो कौआ पी जाता है उसको, ताड़ी कौआ पीते हैं सब और उसको वहीं रख देगा, और उस ताड़ के पेड़ के पास क्या मौजूद है, ईस्ट। ईस्ट क्या करेगा, उसको कपड़ा उपड़ा के बगल से क्या हो जाएगा, ताड़ के पेड़ में घुस जाएगा उसमें लवनी में, और पूरा का पूरा जो जूस है, जो मतलब ताड़ का है वो रस, उसको क्या करेगा, खदखदा के क्या करेगा, सड़ा देगा, अब वही लेके उतरेगा ये लवनी में बांध के, और उसके गमछा से छान देगा और ताड़ी दे देगा, मार लीजिए ताड़ी।
बहुते पीता है तो ताड़ी गांव में लो, गांव के आदमी ताड़ी पीता है, शहर का आदमी सिगरेट सिगरेट पीता है सब, सॉरी बियर पीता है सब, गांव का आदमी बीड़ी और शहर का आदमी सिगरेट। थोड़ा सा स्टैंडर्ड का अंतर है, बाकी सब चीज है। शहर का आदमी पार्क में चिल्ड्रंस पार्क, गांव का आदमी बगीचा, सब सेम ही रहता है। तीन जगह अंतर है यहाँ पे, यहाँ टिकट लगेगा, बगीचा में कोई टिकट नहीं लगता है। ये हो गया इस खमीर। किसी भी चीज को सड़ाएंगे तो क्वेश्चन ध्यान से समझिए। आप दाल चावल रख लीजिए, अब दाल चावल को क्या कर दीजिए, सान दीजिए, इसे सान कर और उसको रख दीजिए चौकी के नीचे एक हफ्ता तक। एक हफ्ता बाद निकाल के उसको ऐसे होड़िएगा ना, जान ले लेगा आपका वहां। रीजन क्या है, उसमें से CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलती है। तो कहेगा कि यीस्ट का काम क्या होता है, तो किसी चीज को सड़ा देना, क्या करना, सड़ाना। सड़ाना को हम लोग कहते हैं किण्वन, क्या कहेंगे, किण्वन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। इंग्लिश में फर्मेंटेशन, किसी चीज को सड़ा देना क्या कहलाता है, यीस्ट या किण्वन या फर्मेंटेशन, किण्वन या फर्मेंटेशन। लेकिन अगर किसी मेटल को सड़ा रहे, बताइए लोहा का क्या किण्वन हो सकता है, लोहा का किण्वन नहीं हो सकता। ये ऑर्गेनिक चीज क्या हो सकता है, जो खाने पीने वाले चीज है सब, जो कभी ना कभी सजीव थे, चाहे वो पेड़ पौधे में थे या उसी का। और लोहा का किण्वन होगा, लोहा का भी किण्वन होता है, लेकिन उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। जब लोहा मेटल ही सब सड़ने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। जैसे लोहा पे जंग लग गया तो वो भी तो एक तरह का किण्वन है, लेकिन उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। उसे फर्मेंटेशन कहेंगे कि ऑक्सीडेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, बात बराबर है। बायोलॉजी में सड़ेगा तो किण्वन, केमिस्ट्री में सड़ गया तो ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जब कभी किसी चीज को सड़ाते हैं यानी किण्वन कराते हैं तो उसमें क्या मिलाना पड़ता है, यीस्ट। क्या करना पड़ेगा, यीस्ट। तीन चार दिन में यीस्ट क्या कर देता है, सड़ा देता है। तीन चार दिन में यीस्ट सड़ाएगा तो जब सड़ेगा तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, CO2। किण्वन सड़ा देता है, कौन सी गैस निकलेगी, CO2। याद रखिएगा, 75 बार क्वेश्चन पूछा है। किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस निकलती है, यानी सड़ने के फलस्वरूप। और जब चीज सड़ जाता है तो उसको एकदम खत 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 के धो जाएगा। जैसे दाल चावल सड़ा दीजिए, काम कीजिए आप सेब खरीद लीजिए, सुनिए ध्यान, सेब खरीद लीजिए और सेब को कतली कतली ऐसे क्या कर दीजिए, काट दीजिए, ना हो तो पूंछ दीजिए ताकि सड़ने में आसानी हो। बढ़िया से खर में पूंछ दीजिए, बर्तन में रख दीजिए। संतरा रख दीजिए, उसका रस पूंछ दीजिए, यहाँ पर सेब रख दीजिए, चावल रख दीजिए, धान रख दीजिए, गेहूं रख दीजिए, जौ रख दीजिए, तीन चार चीज को ऐसे रख के पूंछ दीजिए ताकि सड़ने में जल्दी हो, क्योंकि ऐसे पूछेंगे नहीं तो सड़ने में थोड़ा टाइम ले लेगा। पूंछ काट के एकदम सड़ा दीजिए उसको, और उसमें खूब अच्छा से तनसा चीनी, चीनी मत डालिए, पानी डाल दीजिए, और पानी डाल के हल्का सा गर्म कर दीजिए ताकि और गल जाए। गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा। चावल को गर्म करते हैं कैसे, आराम से गल, तनसा गर्म करके छोड़ दीजिए। चार पांच दिन बाद निकालिए ना उसको, इतना खतरनाक, उसमें कौन सा गैस निकलेगा, CO2। और उसको क्या करिए, गमछा से छान लीजिए, हाइजोन बचल है दे दीजिए गाय भैंस को खाने के लिए, और जो नीचवा बचल है वो कहलाता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इसको IUPAC नेम एथेनॉल, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इथाइल। इसी को क्या कहा जाता है, शराब। इसी को क्या कहा जाता है, शराब। समझ में गया, महुआ सड़ा दीजिए, छान के महुआ को फेंकिए, गैस निकलेगा CO2, और जो निचवा बचेगा उसको नाक बंद करके ढक जाइए, क्या कहलाता है। जब पियक्कड़ जो शराब पीता है सब, उन सबको देखिएगा ना, बहुत खराब लगता होगा, कहे कि जब पीता है सब तो अजीब मुंह बनाता है सब। हाँ पीता नहीं, हम लोग बचपन में, हम लोग थोड़ा पूरा समझ में नहीं कर रहे, बचपन में कोई शराब पीता है, बचपन में हम लोग ना एगो खेल होता था, तुम लोग नहीं खेला होगा, सीसी का जो पेप्सी या थम्सअप का जो बोतल होता था उसका ढकनवा जो होता था उसको आदमी मार मार के क्या करता था, टप चपटा कर देता था, और इसमें दूगो छेद कर देते थे, और मैं धागा बांध के ऐसे नचा के ऐसे नचा देते थे उसको, आदमी देखते रहता था। उस समय पेप्सी वेप्सी का प्रचलन नहीं था उतना, हम लोग गाँव में उतना पेप्सी थोड़े चलता है, आदमी देखते रहते कहाँ ढक्कन फेंकले हैं, और उसको ले आके ऐसे नचाते थे। तो मैं बियर वियर का भी फेंक देता था सब, कुकरों से आदमी नचा देता था, तो देखता था लोग किसी का कब फेंकेगा यहाँ पे, उसे जब पीता था तो अजीब मुंह बनाता था। हम लोग को समझ नहीं, जब इतना खराब लगता है तुमको तो पीता क्या लिए है, मत पियो उसको। तो सड़ा उड़ा के बनाया जाता है, शराब किसी से बनती है, सड़ा के
सड़ाया है, धान सड़ाया है, गेहूं सड़ाया है, तो शराब का दाम सस्ता। सेब को सड़ा के बनाया है महंगा, अंगूर को सड़ा के बनाया है और महंगा। अब डिपेंड करता है, शराब बनने का फॉर्मूला आपको पता है, जोन ची का शराब पीना है उसको लाइए, बर्तन में पूछिए, पानी डालिए, हल्का खदखदा के गर्म कीजिए, बाजार से तनी सा क्या खरीद के लाइए, यीस्ट, ताकि जल्दी कर देगा, यीस्ट लाइए आप फेंट दीजिए, बांध के रख दीजिए किसी जगह पे, आराम से सड़ेगा, कौन सी गैस निकलेगी, सीओ, गमछा में उसको छानिए और डकट जाइए। ये सिंपल हो गया क्या जी, शराब। अब इसमें अलग अलग ब्रांड आता है, टेस्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, शराब के बोतल को खूब सजा के बेचता है सर, देखिएगा ना, लॉकडाउन में शराबी सब लाइन लगा के शराब खरीद रहा था सर, एकदम खतरनाक। यहाँ पे खैर बिहार में तो मिलता है तो बड़ा चोरी छुपे से मिलता है, हालांकि ऐसा नहीं कि बिहार में नहीं मिलता। और शराबबंदी से मेन काम यही है कि कोई उल्टा सीधा काम ना करे। अगर बिहार में शराब मिलता है ठीक है, लेकिन जो लोग शराब पीते हैं ना, हम उनको कहते हैं तनिया के गाली गलौज कर दीजिए तो चौराहा पे, जैसे पहले कर देते थे, तनी पत्नी को मारिए तो पहले पी के आता था तो पत्नी को पीटता था सर, अभी पत्नी कहते रे पी के ही ले रहे, रे फोन निकाल दो, A100 दरोगा साहब वो हाथ जोड़ कर रहे हैं, समझ आ गया कि नहीं, ये वर्क पड़ता है, समझ आया, तो शराब से बहुत फर्क है। आप कोई पी के पहले पी लेते थे तो पूरे मोहल्ला को डिस्टर्ब करके रहे, अभी चढ़ पिया हो, कहाँ पिए हम, एकदम ठीक है, पिए रहता है तो एकदम कॉन्फिडेंस में रहता है, रीजन क्या है उसे, अब बताओ क्या पी रहा है, इथाइल अल्कोहल पी रहा है। लेकिन अगर इसके केमिकल में थोड़ा सा भी चेंजिंग आएगा और गलती से भी अगर ये CH3OH बन गया, यानी मिथाइल अल्कोहल बन गया, ये को कार्बन कम हुआ, अगर इथाइल अल्कोहल की जगह क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल, जहां ऐसा बना तो वो हो जाता है जहरीला शराब, क्या हो जाएगा, जहरीला शराब। और जहरीला शराब पीने से या तो आनहर हो जाएंगे, बहिर हो जाएंगे, मर जाएंगे, मैंने कुछ ना कुछ डैमेज होंगे, आप नया नहीं रह जाएंगे, थोड़ा कुछ आगे सेकेंड हैंड भाव चल जाएंगे। तो इथाइल अल्कोहल क्या है, नॉर्मल शराब होती है, और मिथाइल अल्कोहल क्या है, जहरीली शराब। बताइए शराब बनाने के लिए किण्वन करना जरूरी है या नहीं, किण्वन के लिए उसमें क्या मिलाएंगे, यीस्ट, लेकिन यीस्ट जो होता है बड़ा धीरे धीरे सड़ाता है, तो धीरे जितना धीरे धीरे वो सड़ाएगा उतने उसका लाइफ क्या होता जाए कम होगा। जैसे मान के चलिए कोई शराब है, कोई चीज है, जैसे गेहूं का शराब बनाए या धान का बनाए या सेब का बनाए, तो शराब की भी तो अपनी लाइफ है यार, 10 साल बाद थोड़े ना पी सकते हैं आप उसको, जहर हो जाएगा तब तक तो वहां पे। तो मान के चलिए उसका लाइफ है 10 दिन तक वो क्या रहेगा, ताजा रहेगा। आज आपने क्या किया, सेब को कूच उच के पानी उनी में गर्म करके बनाए, और नॉर्मल क्या डाले, यीस्ट डाले, उसे जो 5 दिन तो सड़ाने में ही लगा देगा। टाइम कितना था, 10 दिन, सड़ाने में कितना लगा दिया, 5 दिन, 5 दिन में बेच के पीयू के खत्म करो। इसके लिए हमें जरूरत था कि यीस्ट के साथ साथ कुछ ऐसा चीज मिला दिया जाए जो जल्दी सड़ा दे, क्या करे, जल्दी सड़ा दे, ताकि टाइम हुआ बच जाएगा, नहीं समझे, एक के दिन में सड़ा दे तो क्या दिक्कत है, 9 दिन बचल रहेगा, 9 दिन बचेगा, तनी तनी करके पिएगा। तो इसके लिए इनवर्टेज एंजाइम तथा जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, इनवर्टेज एंजाइम तथा जाइमेज एंजाइम, इनवर्टेज एंजाइम तथा जाइमेज एंजाइम, किसी को कोई दिक्कत है। किण्वन की क्रिया में यीस्ट मदद करता है, किंतु किण्वन की क्रिया को बहुत तेज करने के लिए, यानी जल्दी सड़ाने के लिए, उसमें क्या मिलाया जाता है, इनवर्टेज और जाइमेज, इनवर्टेज तथा जाइमेज, इससे किण्वन की क्रिया धीरे होगी या तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। किण्वन यानी फर्मेंटेशन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है, कौन सी शराब निकलती है, इथाइल अल्कोहल, कौन सी, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल मिल गया, तो जहरीली शराब हो जाएगी। अक्सर सुनते होंगे जहरीली शराब पीने से 50 आदमी की मौत हो गई, अब मान के चलिए वो इथाइल अल्कोहल है, गलती से उसमें क्या बन गया, मिथाइल। तो केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो देसी शराब वालों को पता क्या चलेगा, उनके पास तो मशीनरी होती नहीं है, नॉर्मल सी क्या है सर, भट्ठा पे बना देता है सर, जहाँ चिमनी रहता है, समझ में क्या, वहां बना के अपना पीते रहता है सर। तो ये जो शराब रहता है अगर गलती से भी क्या हो जाता है, इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल हो गया, तो बहुत सारे लोगों की जान ले सकता है, किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। इथाइल अल्कोहल हो गया, कौन सा एंजाइम लगता है, इनवर्टेड और जाइमेज, शराब बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए आपको हर हाल में वैसे ही चीज का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें मिठास हो, क्या हो, मिठास हो। मिठास वाले चीज को हिंदी में कहते हैं सरकरा, अंग्रेजी में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, हिंदी में सरकरा, अंग्रेजी में कार्बो। अभी बताओ भैया, हमको शराब बनाना है
शराब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फर्मेंटेशन। हिंदी में क्या कहेंगे, किण्वन। किण्वन कैसे लिखाता है जी, ऐसे लिखाएगा किण्वन। किण्वन के लिए क्या चाहिए, कार्बो हाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट नहीं, हिंदी में क्या कहेंगे, शर्करा। क्या चाहिए, शर्करा। शर्करा मतलब क्या होता है, मीठा चीज। अब आप बताइए, रोटी खाते हैं बिना चीनी वगैरह के, सूखे रोटी खाइए, हल्का सा मीठा लगेगा कि नहीं, चावल हल्का मीठा लगेगा कि नहीं, गन्ना, सेब लगता है। तो भाई सब के सब क्या है, शर्करा है, सब के सब शर्करा है। जो कम मीठा लगे वो हो गया ग्लूकोज, जो कम मीठा लगे ग्लूकोज, जो उससे ज्यादा मीठा लगे सुक्रोज। क्या लगे, सुक्रोज। जो और मीठा लगे फ्रुक्टोज। कौन हो गया, फ्रुक्टोज। भाई मीठा का भी तो कैटेगरी होता है, जैसे आप पास होते हैं तो आपकी कैटेगरी नहीं होती फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन, तो क्या जितना दुनिया का मीठा चीज है क्या कैटेगरी में डाल देंगे, नहीं ना। नॉर्मल मीठा चीज, हाँ, अतनी तगड़ा एकदम गनगना दिया, सबसे मीठा शर्करा, सबसे मीठा शर्करा, ये सब नेचुरल हो जाते हैं, समझे क्या। रोटी वगैरह खाएंगे तो हम लोग को नॉर्मल क्या मिलेगा, गन्ना चूसेंगे तो सुक्रो, गन्ना में चीकू खाएंगे, सेब खाएंगे, आम खाएंगे, फल वगैरह, तो उसमें क्या होगा, फ्रुक्ट, फसे फल फसे फ्रुक्टोज, फसे फल फसे फ्रुक्टोज। जितनी मधुमक्खियां होती हैं ये फलों के रस को ले आती हैं, फलों के रस को कहां से ले आती हैं, फल बनने से पहले फूले पे से रसवा चूस लेती हैं सब, और अपने छत्ता पे लगा देती हैं सब। तो शहद में क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज, शहद में क्या मिलेगा, लेकिन गन्ना उन्ना में से भी लेके चलाती हैं सब। तो शहद में सबसे ज्यादा मात्रा में फ्रुक्टोज, साथ ही साथ सुक्रोज, साथ ही साथ सुक्रोज। लेकिन आदमी क्या करता है, चूंकि गन्ना है यहाँ पे, तो सुक्रोज में क्या है, शहद वगैरह में चीनी उनी मिला देते हैं सर, देखते हैं डुप्लीकेट शहद दे देते हैं सर। अब इसका फायदा उठा लिए बाबा रामदेव, उनका शहद लीजिए, ओरिजिनल एकदम शहद खाइए, मधुमक्खी बन जाइए, पतंजलि शहद। तो ये सब समझ में आ रहा है, किण्वन के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, ग्लूकोज सुक्रोज या फ्रुक्टोज। सीधा कहिए शर्करा का, किसका, शर्करा का। तो बताइए किण्वन किसका होता है, शर्करा का। किण्वन किसका होगा, शर्कर। शर्करा को अंग्रेजी में, ये टेस्ट में कैसा, तनी तनी मीठा, तनी जादे घुमच दिया एकदम, फ्रुक्टोज। लेकिन आदमी केमिकल बनाया, कहा कि हम कहां कहां से शहद ले आएंगे मीठा करने के लिए, और चीनी कितना डालेंगे सुक्रोज के लिए। तो इन्होंने एक नया केमिकल का खोज कर दिया, किस चीज का खोज किया, केमिकल का। ये नेचुरल पदार्थ नहीं होता है, केमिकल होता है, जिसे कहते हैं सेकेरीन, सेकेरीन। ये सेकेरीन टेस्ट में कैसा लगता है, मीठा, जैसे मैंगो फ्रूटी आम की तरह रगता है, आम रहता नहीं है, मैंगो वो उसके लिए फिर आइएगा मैंगो फ्रूटी के, तो फिर रियल जूस पे जाना पड़ेगा, एक दुकान होता है ट्रॉपिकानो ऐसे करके दुका देता है, देखिएगा ना उसमें वो रियल जूस रहते हैं सब, लिखता भी है रियल जूस, लेकिन मैंगो फ्रूटी ना रियल नहीं है। उसी तरह से अगर आपको चीनी चाहिए तो नेचुरल चीनी क्या होता है, सुक्रोज। चीनी किससे बनता है, गन्ना से, गन्ना में क्या होता है, सुक्रोज, नेचुरल चीनी, सुक्र। अब कहीं आपको एक बोरा चीनी की जरूरत है, कितना, एक बोरा चीनी की जरूरत है, तो एक बोरा चीनी से ज्यादा अच्छा है अगर आप यहां से एक मुट्ठी क्या डाल दीजिए, सेकरीन डाल दी, एक मुट्ठी सेकरीन। लेकिन क्या चीनी वाला टेस्ट सेकरीन से आएगा, ज्यादा मीठा कर देगा लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इसका प्रयोग आइसक्रीम वाला करता है, कौन करेगा, आइसक्रीम, मस्त आइसक्रीम बनाएगा पूरा बाल्टी भरो में इतनी सा डाल देगा सेकरीन, फेंट दिया उसे, मशीन लगी है, इसलिए देखिएगा आइसक्रीम गिर जाइए, कहीं आइसक्रीम गिराइए, बगल में एक मुट्ठी चीनी गिरा दीजिए, चीटी किस पे लगेगी, आइसक्रीम पे ज्यादा नहीं लगती, सस्तावा आइसक्रीम पे तो और नहीं लगती है, सस्तावा आइसक्रीम में क्या झोंका हुआ है, सेकरीन। और जो 1 रुपया का आदमी ऐसे गिलासवा में रख के बचपन में खाता था, इसे देख, नहीं देखे बचपन में, नहीं खाए आप लोग, गोला नहीं रे, वो तो यह सब लड़की खाती है, गोला है इसे, तू खिलाई ले, तेरा पता है गोला गोला।
तो दुकोंजी गोला खा के बैठा ले। ऐसे रहता था एगो आइसक्रीम, हल्का सा नीचे से चौड़ा रहता था और इसमें एगो डंटी रहता था इसे तिरछा लेके निकालते रहता गिलास में, टूट जाता था तो जान चल जाता था, घर वाला नहीं देखा, कोई नहीं देख रहा है, निकाल उठा के दो, चला दो दो क्या निकाल जाता था बच में, इसमें कुछ नहीं रहता है। ये आइसक्रीम बनता कैसे? पानी घोलेगा, पानी में क्या घोलेगा? रंग घोलेगा, और रंग में क्या डालेगा? सेग्रीन, और उस सेग्रीन पानी कैसा हो गया मीठा, और उसमें सांचा बना ऐसा ऐसा सब में भर देगा, ठंडा कर देगा भाई, निकाल के उसका थर्माकोल का डिब्बा लेके आता है साइकिल पे बांध के, वो भोपू पो 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 बजाता है, उसी में से निकाल के लोग का हो यार, वो क्या डाल दिया सर सेग्रीन, इतना सस्ता है चीनी, तो सबसे ज्यादा मीठा क्या लगता है? सेग्रीन, बट वो नेचुरल नहीं होता है, आप इसको खाने पीने में प्रयोग नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल कामों में प्रयोग होता है, क्योंकि आइसक्रीम कोई पेट भर के थोड़ी खाता है, ज्यादा सेग्रीन खा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, आइसक्रीम कितना कोई खाता है, एक से दो यहाँ पे, हाँ वहां पे उसे लड़का सबको भी वो फुर्सत रहता है आइसक्रीम खेला के यहाँ पे। आगे बढ़े, किड़वन में किसकी जरूरत? सरकार आगे, किड़वन के फल स्वरूप कौन सी गैस? CO2। किड़वन के फल स्वरूप कौन सी शराब? इथाइल अल्कोहल। शराब बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किड़वन, इंग्लिश में फर्मेंटेशन। कोई चीज केमिस्ट्री में सड़ गया तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, लोहा का जंग लगना ऑक्सीडेशन, चांदी के पायल पुराना हो जाना ऑक्सीडेशन, क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। वहां क्या होगा? वहां सड़ जाए, वहां कोई चीज क्यों सड़ती है? एक दूसरे से टच में आने पे। अब महिला सब क्या करेगी? सब कान में का झुमका सोना का, नाक में का सोना का, और पैर में का चांदी का, दोनों एक के डिब्बा में रख के बंद कर देगी सब। केमिस्ट्री से तो उन सबको दूर दूर तक भेटना हुआ है, बंद करके रख दे सर, जा भगवान निकालेगी सब, तो चांदी वाला काला पड़ने लगेगा, सोना वाला धुंधला हो जाएगा। अब लेके जाएगी दुकान पे और रगड़ देगा, और भाई सोना साफ करना है ना, मंजन आता था कोलगेट पाउडर वाला, ऐसे चांदी का पायल हाथ में रखिए, अब मंजन रखिए, उसमें छिड़की है मंजन, हल्का सा ब्रश को पानी में भिगाइए, उसको नहीं ब्रशवा को हल्का पानी में, ताकि पानी आ जाए, आप मस्त रगड़ दीजिए, देखिए एकदम चमचम आ जाता है। तो फ्यूचर में आप लोग का ब्याह शादी होगा तो आपकी जो गृह मंत्रालय होगी, अगर बाई दी में पायल वायल धुलवाने की दी ना तो कोई बात नहीं, ले आओ तुम जाओ ले आके, आप लोग को तो खैनी बनाने का एक्सपीरियंस है, वही में जाकर रगड़ खैनी से रगड़ दीजिएगा ले। तो केमिस्ट्री में भी सड़ती है कोई चीज, केमिस्ट्री में सड़ेगा तो ऑप्शन, बायोलॉजी में सड़ गया तो ऐसे, रियल लाइफ में सड़ गया तो फेंक दे, सड़ गई लो कोई मतलब नहीं, फेंक दे सड़ गए, अब हो गया समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिएक्शन दिया होगा, रिएक्शन गलती से एक जगह मिस्टेक हो गया है, आप उस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, C12H22X11, C12H22O11 प्लस में H2O, प्लस में क्या है? H2O। H2O जरूरी है कि नहीं है? सड़ाने के लिए अभी बोले पानी की जरूरत रहेगी, तब ना जल्दी से थोड़ा सड़ जाता है। अब यहां देखिए, यहां क्या होना चाहिए? C6H12O6 प्लस C6H12O6, अब ध्यान से देखिए, यहां पर C6 है, अब बैलेंस हो जाएगा, आपका गड़बड़ दे दिया, वहां देख रहे हैं वो अलग से लिख दिया है, देखिए C6 लिखा है और H12O6 को नीचे टाइप हो गया गलती से। तो ये दोनों क्या चीज है भैया? ग्लूकोज, ये भी क्या है? ग्लूकोज, ये क्या है? सरकरा है, हैवी पावर का है सरकरा, सरकरा। अब आप बताए भैया, इसमें हमको यीस्ट की जरूरत लगेगी कि नहीं लगेगी? यीस्ट की जरूरत लगेगी। इनवर्टेज एंजाइम चाहिए, इनवर्टेज कौन सा एंजाइम? इनवर्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम चाहिए? इनवर्टेज, तो उस केमिकल रिएक्शन को सुधार लेंगे, सुधार लिए। अब हमको क्या मिल गया? नॉर्मल वाला ग्लूकोज मिला, वो वाला हैवी था, भी था कि नहीं था? ये नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल को फिर से तोड़ते हैं, क्या नाम है इसका? C6H12O6। इसे तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? यीस्ट। और रिएक्शन तेज हो गए, इनवर्टेज, तो इनवर्टेज यहाँ बड़े वाले को तोड़ने के लिए यहाँ पे चाहिए जाइमेज, यहाँ क्या चाहिए? जाइमेज, बड़े को तोड़ने के लिए इनवर्टेज, छोटका को तोड़ने के लिए जाइमेज। कौन सा अल्कोहल बनेगा? C2H5OH प्लस 2CO2। केमिकल रिएक्शन भी बैलेंस है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? केमिकल रिएक्शन क्या है? बैलेंस। देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2×2=4,
और फिर यहाँ पे छ है, इधर भी ऑक्सीजन कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, इधर भी कितना रहना चाहिए 12, यहाँ देखिए 5, 5 दुनी 10, और यहाँ एक एक में 2 का गुणा 12, इधर थोड़े ऑक्सीजन जो खड़ा रहता है ना ऐसे खड़े वो सब में गुणा करता है, और जो लटकल रहता है वो पर्सनल है, पांच वाला इसका पर्सनल है, तो 5 दुनी 10 और फिर इसमें भी गुणा होगा 12, ऑक्सीजन क्या गो इधर 6, ध्यान से दे ऑक्सीजन क्या गो है 6, यहाँ देखिए 2 में इसका गुणा करेंगे 2, और यहाँ 2 को पहले से है और 2 में इसका गुणा करें 2 दुनी 4 और 2 6, बराबर हो गया बैलेंस यहाँ पे। तो छोटे चीज को तोड़ेगा जाइमेज और बड़का ग्लूकोज को तोड़ेगा इन्वर्टेज, यानी किण्वन की क्रिया को दोनों कंडीशन में यीस्ट की जरूरत पड़ेगी, यीस्ट के किण्वन को तेज करने के लिए हम लोग उसमें इन्वर्टेज या जाइमेज एंजाइम को मिलाते हैं। सबसे मीठा शर्करा ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज कौन, फ्रुक्टोज कौन सा किस में पाया जाता है फलों में, और शुगर में सुक्रोज, शुगर में सुक्रोज, एकदम पंचुचूर रह गया उसमें ग्लूकोज, नॉर्मल में क्या रहता है ग्लूकोज, किसी को कोई दिक्कत है आगे बढ़े। किण्वन के फल स्वरूप कौन सी गैस CO2, कौन सा अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, जहरीली शराब किसे कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब, चलिए ध्यान से बताइए मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब कहते हैं। सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज है या सुक्रोज से 17 गुना लिख दिया है, 1.7 लिखिए, 17 गुना नहीं होता 1.7, बीच में पॉइंट छूट गया, रिमार्क लिखा हुआ है ना लास्ट टॉपिक में 1.7, बीचों में क्या डाल दीजिएगा पॉइंट डाल दीजिएगा 1.7 है, बीच में एक टॉलका सा पॉइंट डाल दीजिए 1.7 हो जाएगा 1.7, 17 गुना लिख दिया है, हो गया गलती से मिस्टेक हो गया होगा। उसके नीचे नोट करके लिख, चीनी को टेबल चीनी कहते हैं, इसमें क्या पाया जाता है सुक्रोज, गन्ना में क्या पाया जाएगा, अरे भैया चीनी किससे बना रहता है गन्ना, सुक्रोज, सैक्रीन एक नॉन शुगर कार्बनिक पदार्थ है, केमिकल है, सुक्रोज से कितना मीठा होता है 500 गुना, चीनी को क्या कहते हैं सुक्रोज, और सुक्रोज से कितना गुना 500, तो जहां 500 किलो चीनी लगेगा वहां ही 1 किलो, तो ये इंडस्ट्रियल प्रयोग होता है, ऐसे में यूज नहीं होता। कभी भी देखिएगा आइसक्रीम के मीठापन का टेस्ट एक अलग रहता है, चीनी टाइप का नहीं रहता, अलग टाइप का उसका मीठापन रहता है। उसके बाद क्या आ गया, शैवाल आ गया, मिथाइल अल्कोहल को क्या कहेंगे जहरीली शराब, एंजाइम जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में तथा CO2 में क्या कर देता है तोड़ देता है, बता दिए कि नहीं बता दें, अब तो ये हो ही गया आपका कवक, कवक से क्वेश्चन बता देंगे ना, बताइए तो थैलोफाइटा को कितने भाग में, पहला थैलो कवक शैवाल और लाइकेन, कवक शैवाल लाइकेन जीवन, क्या कवक के पास क्लोरोफिल होगा, भोजन बनाएगा, मृतोपजीवी या स्वपोषी, क्लोरोफिल रहता तो स्वपोषी, तो कहाँ निकलता है नमी वाले, नमी वाले जगह पे, एग्जाम्पल में फेमस कौन सा, मशरूम, पेनिसिलिन और ईस्ट, ईस्टर नहीं त्योहार होता है वो ईस्टर, एक तो ईस्ट क्या होता है ईस्ट, हिंदी में क्या कहेंगे खमीर, सड़ाने के काम में, बेकरी जहां बिस्किट ब्रेड बर्गर ये सब बनता है उसे क्या कहते हैं बेकरी, तो जितना ज्यादा और बेहतरीन डिजाइन का यीस्ट आएगा उतना अच्छा से सड़ाएगा, और जितना सस्ता रहेगा जहां तहां सड़ा देगा, इसलिए आप ठेला पे बर्गर खाइएगा वो बर्गर अजीब डिजाइन का, कभी इनने से फट जाएगा कभी उनने से फट जाएगा, लेकिन मैकडोनल्ड का खाइए, बर्गर किंग का खाइए, इस सब का वो सब का इतना सॉफ्ट बर्गर रहेगा, CBSE वाला होगा खाया होगा उसमें सॉफ्ट एकदम बर्गर रहता है। वहां पे हम गए थे दिल्ली में, तो दिल्ली के जितने टीचर हैं लोग ना सब VVIP, मतलब उन लोग का कल्चर एकदम जबरदस्त है, आप बर्गर लाइन, अरे खान साहब को बर्गर खिलाते हैं, हम कहे हम बर्गर वर्गर नहीं खाते, हमारा वही पटना वाला हिंदी मीडियम बर्गर का आइडिया है, दांत से दबाइए टमाटर उनने फेंका गया, प्याज उनने फेंका गया, हाथ में पोचा गया, ससुरा कौन चीज खाया आदमी, आप टेंशन नहीं लिए, वो लाए मैकडोनल्ड का बर्गर दूतल्ला था, ये तो दूतल्ला था, हम इतना बड़का हम गरीब बाबरे खाने की इधर से है, उसको दबाया गया आदमी, इतना बेहतरीन सॉफ्ट था, वो जब भी कटेगा कभी फट के अलग नहीं होगा, दांत से काटेंगे तो कटेगा, यहाँ वाला बर्गर ऐसे काट दिया उनने फेंक दिया इनने फेंक दिया, बटर के खाइए ले पहुंचा के हाथ धो हाथ कौन खाएगा एकदम यार, तो जो जो यहाँ ठेला पे बनाता है तो 10 रुपया का देता भी तो है, 20 रुपया कर दिया हो गया, महंगाई बहुत, हम लोग के वक्त 5 रुपया का मिलता था, हम उसी हिसाब से 10 रुपया बोले कि अब महंगाई बढ़ गया होगा, बहुत बढ़ गया,
लेकिन वो बर्गर काफी महंगे मिलते हैं, 150-200 रुपया का मिलता होगा वो बड़ा वाला। देखो खिलाई ले ले जाके, 180 रुपया बोल रहा है। कौन बोला 180 रुपया? तो खुदे बर्गर हो रहा है कुछ दिन में, एकदम कीड़वन हो रहा है, एकदम चकरा रहा है। तो जितना अच्छे किस्म का यीस्ट रखिएगा, अच्छे ढंग से सड़ाएगा। जैसे आप हिंदी मीडियम वाला कुत्ता रखिएगा खौरा जाएगा, और CBSE वाला रखिएगा अच्छा से रहेगा। तो सब चीज की अलग अलग कैटेगरी होती है। यीस्ट अच्छा कैटेगरी का सड़ाएगा, अच्छा कैटेगरी। कल समझेंगे आप, आज के लिए इतना ही।